पंजाब में बीएड कॉलेजेस में एडमिशन का काउंसलिंग का प्रोसीजर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब है कि पोर्टल अब ओपन हो चुका है। आपको कहाँ जाना है, फिल करना है पंजाब बीएड एडमिशन gndu.ac.in, यहाँ पर क्लिक करना है 2023 और ये उनकी वेब पेज खुल जाएगा। आपने एडवर्टाइजमेंट देखनी है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मेन क्या है के ज्वाइंट बीएड एडमिशन 2023 कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, जिसमें कौन कौन से शामिल है, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज और प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस, ये याद रखना है। इसके अलावा वाले बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। तो ये तीन तरह के कॉलेज एफिलेटेड टू गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एंड पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला एंड सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ पंजाब विल बी डन थ्रू कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये बात क्लियर है कि अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना है। पहले ये भी सवाल किए जा रहे थे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। टू बी कंडक्टेड बाय गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, दोज हु एस्पायर टू टेक एडमिशन इन दीज कॉलेजेस मे अप्लाई और रजिस्टर। ये है न्यू इंफॉर्मेशन ऑनलाइन 9 जून 2023। तो अब आपको इसके लिए तैयार रहना है। मैं एक वीडियो डाल देता हूं कि कौन से डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन या आपको जो सॉफ्ट कॉपीज हैं वो कौन कौन सी चाहिए, वो अलग से वीडियो नीचे लिंक दिया गया होगा, इसका लिंक भी नीचे दिया गया होगा। आप तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने कहां फिल करनी है, पंजाब बी एड एडमिशंस डॉट जी एन डी यू डॉट ए सी डॉट इन, ऑलरेडी बात हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन ऑन द एडमिशन पोर्टल में इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट इंक्लूडिंग मैनेजमेंट कोटा। मैंने काफी वीडियो, मेरे ख्याल 3-4 क्वेश्चन और एक स्पेशल वीडियो इसीलिए निकाला था जिसमें बताया था कि पिछले साल इस को स्टूडेंट्स ने ध्यान में नहीं रखा इस बात को कि सभी के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना जरूरी है। 3000 बच्चों का नुकसान हुआ था, आपका नुकसान ना हो, दैट इज वाई हर हालत में 9 जून को जो ये टेस्ट होना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल होने हैं, सॉरी, तो वो फिल कर देने चाहिए। बेशक आपने मैनेजमेंट कोटा सीट लेनी है जो कि एक्स्ट्रा मनी दे के आप महंगी सीट होती है नॉर्मली, तो अगर आपने ये भी देना है तो भी आपको एंट्रेंस टेस्ट की लाइन में लगना होगा, ये फॉर्म फिल करना होगा। जिन्होंने पिछली बार मैनेजमेंट कोटा सीट लेनी थी और फॉर्म फिल नहीं किया था, उनसे यूनिवर्सिटी ने ये बात नोट कर लीजिए, उनसे यूनिवर्सिटी ने 2400 पिछली बार जो फीस थी एंट्रेंस टेस्ट की वो वसूल करके फिर मैनेजमेंट कोटे में आने दिया था। तो अगर फीस देनी ही है, यूनिवर्सिटी ने लेनी ही है, आप क्यों नहीं एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर हो जाते हो? थोड़ी सी गाइडेंस, थोड़ी सी मेहनत के साथ आपको सीट मिल जाएगी। ये शॉर्टी दे रहा हूं, कारण ये है कि 24,000 के करीब अगर सीट्स हैं तो सीट्स फिल कितनी होती है, 12 से 14,000 के करीब, 12 से 14,000 के पिछले 1-2 सालों में, तो इतनी सीट्स खाली रहती हैं, आपको मिल जाएगी। हाँ, कॉम्बिनेशन और कॉलेज कौन सा चाहिए उसकी थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, लेकिन सीट मिल जाएगी। तो अगर आप ये फॉर्म फिल कर लेते हो तो आपको हो सकता है आपके 20-30-40,000 रुपए बच जाएं। आगे क्या है कि द नोटिफिकेशन इन दिस रिगार्ड हैज बिन इश्यू टू डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब विच इज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट कॉलेज ऑफ एजुकेशन विच आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट ड्यूली फील्ड साइन मैंडेटरी परफॉर्मा। ये आपका काम नहीं है, कॉलेजेस ने करना है। उन्होंने अपने टीचर्स, उनके पास कितने हैं एलिजिबल और उनकी सीट्स मैट्रिसेस कॉम्बिनेशन क्या क्या अवेलेबल है, जो एनसीटी की कंडीशन है, ये उन कॉलेजेस ने जमा करवाना है एज पीडीएफ मेल, यहां पर वो करवाएंगे। हार्ड कॉपी आपके लिए नहीं है, ये भी आपके लिए नहीं है, ओके। तो ये उनके लिए 19 जून तक है। 19 जून तक हर कॉलेज अपनी डिटेल्स जब ये सबमिट करवा देगा, उसके बाद वो डिटेल इस पोर्टल पर आ जाएगी, आपको सीट मैट्रिसेस देखने को मिल जाएगी कि जहां पर आप जिस कॉलेज में जिस कॉम्बिनेशन में लेना चाहते हो एडमिशन, क्या वहां पर अवेलेबल है कि नहीं है। सो अभी आपके लिए गाइडेंस बेस्ट यही है
के पेपर होना है उसकी तैयारी साथ में शुरू कर सकते हैं। वीडियो जनरल नॉलेज के हर पेपर के डाल रहा हूँ, 2022 का पेपर भी आ रहा है उसके भी सॉल्व वीडियो डालूंगा। तो आपको ये तैयारी साथ साथ में और ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करने शुरू कर देने चाहिए, टेंशन नहीं लेनी क्योंकि टाइम में ये काफ़ी देंगे। कोई भी क्वारी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन के जवाब जो कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग है वो थोड़े बड़े देने पड़ते हैं, एक एक वीडियो में उनका जवाब दे रहा हूँ, रिलेटेड जो कैंडिडेट्स हैं वो भी उनको देख सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर तीर सिंह, लर्न टू